सम्मान के जय धर्मे आज और एक सुंदर वीडियो में सम्मान के स्वागत करा थो। तो आज मैं वीडियो बना थो मोर किचन से स्टार्ट कर रहो। तो आज मैं कुछ स्पेशल बना वाला हो, तो सोच लो कि तोरे मन से भी शेयर कर देव। तो चला का बना थो देखा थो मैं तोरे के। तो आज मैं बनाबो पनीर और आलू के तियान। तो इन्हें मैं पनीर और आलू के कट के रख दी हो, और इन्हें प्याज आदा लहसुन चारमगज बिलाती और हरा मिर्चा के भी कट के रेडी कर दी हो सबके। एखन कढ़ाई में तेल डाल दिलो, तेल गरम होते ही मैं यहाँ डाल दिलो प्याज। प्याज के साथ साथ मैं एक बार यहाँ आदा और लहसुन के भी डाल दिलो, और इस सब के एखन तनिक देर भूंजा हमें। तो इगो एखन भूंजा गया आधा, तो एखन भूंजा गया कि यहाँ एखन मैं डाल दिलो टमाटर और काचा मिर्चा हरा मिर्चा जम कट के रख रहे हो, उस सब के भी भूंज दिलो तनिक। ओकर बाद मैं यहाँ चार मगज भी डाल दिलो, इस सब के भूंज दे। तो भूंजल कर बाद तनिक भूंजा गया कि खाने के हमें ठंडा हो गया छोड़ दे। तो इन्हें प्लेट में एक मैं निकला दी हो, और एक ठंडा हो गया छोड़ दी हो। तो इन्हें जन तेल बैच रहे कढ़ाई में वह हुआ, और तनिक तेल डाल दिलो, और इन्हें गरम करके मैं यहाँ रही को पानी यहाँ नॉन डाल के रख लो। और इन्हें तेल गरम हो गया, तो इन्हें पनीर के भी मैं फ्राई करे के लिए चढ़ा दी हूँ। और इन्हें एखन पनीर के फ्राई करा लो। तो एखन सब बटे उल्टा उल्टू के भी उल्टा दी हो, और एखन ऑलमोस्ट हमार पनीर भी रेडी हो गया फ्राई हो गया। तो एक एखन निकला है कि जब गरम पानी में नॉन डाल कर रख रहा हूँ वहाँ डाल दिलो। और एखन इन्हें आलू के चढ़ा आलू के एखन फ्राई करा थो, आलू के इन्हें फ्राई करे के लिए चढ़ा दी हो। और इन्हें एखन मसाला के ग्राइंडिंग करे के लिए एखन एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिलो मैं, और एखन मसाला के एखन ग्राइंडिंग करा। तो जन भूज कर रख रहो उस सब के एखन ग्राइंडिंग करब मैं। ग्राइंडिंग भी इन्हें हो गया, और तेल भी इन्हें हमार गरम हो गया। तो एखन ग्राइंडिंग कर जौन मसला ओके एखन मैं डाल दिल, और एक तनिक एखन भूंजा और अच्छा से भूंजा हो तक इके भूंजा एखन मसला से तेल निकले तक। तब तक मैं इन्हें मसला और एक रेडी करा थो, यहाँ मैं दिल पनीर मसला फिर इके इन्हें भूंजा थो। फिर यहाँ मैं ऐड कर दिल हल्का सा चिल्ली पाउडर और ये हमार हल्दी। फिर यहाँ मैं ऐड करमू एखन मोर सीक्रेट मसाला, तो यही के मोर सीक्रेट मसाला ये एक चम्मच ऐड कर दो। तो ये मसाला के देवाल करवा दे स्वाद दुगना हो जाएगा। फिर यहाँ मैं ग्राइंडिंग जन कर रहो पर पानी रहे, तो वह पानी के यहाँ मिसाई के ये तारीख देर छोड़ देव। तो करवा दे इन्हें मसाला के देखिला मसाला इन्हें हमारे भूंजा होते एकदम दगनी हुई है रेडी। फिर इके मैं डाल दिल मसाला वाला पानी के, फिर इके हमें तनिक देर छोड़ दे ढाई ढूब होते। तो फाइनली एखन मसाला भूंजा गया, और देखा एक साइड साइड से तेल निकले के शुरू हो गया, तेल छोड़ दिल। तो मसाला हमारे भूंजा गया हमें एखन जान ली। फिर यहाँ डाल दिल मैं पानी, और पानी डाल के तनिक अच्छा से मसाला के मिला दे। तो अच्छा से मसाला के मिलाए के बाद आलू के डाल दिल एखन मैं, और जेहेतु आलू पूरा नहीं सीझ रहे आधा सीझ रहे, तो आलू के एखन आगे डाल दिल। और आलू के एखन तनिक सीझब, और एखन स्वाद अनुसार मैं नॉन भी डाल दिल। तो आलू एखन हमारे सीझे जल्दी से, तो ये एखन अच्छा से चला के ठीक है। फिर ढाई के एखन आलू के तनिक सीझे के लिए छोड़ देव। तो फाइनली एखन हमारे आलू सीझ जा है, और फिर मैं डाल दिल पनीर, और पनीर डाला के बाद एखन तनिक हांडर देव मैं। हांडर देवल के बाद इके तनिक देर छोड़ देव मैं, ये तनिक डाके के लिए और ग्रेवी तनिक हो गए। तो फाइनली हमारे हुई भी गया, और ग्रेवी मुके इतने ही रखे गए। तो मैं मैंने बताई दी के आइस के तियान के कर लो रेडी, और टेस्टी टेस्टी दिशा थे थोड़ा मन भी कैसा दिशा थे कैसा लगला कमेंट करके बतावा। अगर कुछ भी भूल चुक रही तो कमेंट में बतावा। तो मोर तियान हो गया रेडी, फिर इन्हें मैं निकला दिल खाए के लिए, और लंच टाइम भी हो जा रहे। तो इन्हें मोर भात और पनीर के तियान आइस कर हो गया रेडी, और मैं इन्हें खाए भी बैठ जाओ। और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो मैं जल्दी जल्दी खा थो। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक कर देवा, और चैनल बनाया रहबा होले कंजूसी ना करबा एक सब्सक्राइब कर देवा। तो आज कर वीडियो के करे लहेठना एंड बाय बाय एंड टेक केयर।